कैथल जिले में नशा तस्करी का व्यापार जोरों पर है। चाहे वह करोड़ों की हीरोइन पकड़े जाने का मामला हो या लाखों रुपए की अफीम पकड़े जाने का या फिर अवैध शराब का, कैथल में लगातार नशा तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में बीती रात कैथल की पुंडरी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध शराब से भरे ट्रक को पकड़ने में सफलता हासिल की है। इस ट्रक में 1200 पेटी अवैध देसी शराब बरामद की गई। मामले में पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इस सब के पीछे असल अपराधी कौन है, इस बारे में कुछ भी कहने से पुलिस बच रही है। पुलिस DSP रविंद्र सांगवान ने बताया कि हम ड्राइवर सतवीर का पुलिस रिमांड लेंगे और इसके बाद जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कल शाम को हमने 52-100D पर से सूचना प्राप्त हुई थी। वहाँ से एक ये कैंटर था, ट्रक था, उसमें सूचना मिली थी भाई ये अनऑथराइज ये दारू है उसमें, तो हमने उसको काबू में कर लिया, उसको थाने में लेके गए, FIR कर ली है। 359 नंबर FIR है ये पुंडरी थाने में, और उसका जो ड्राइवर था वो सतवीर है, भाणा का है, उसको गिरफ्तार कर लिया है। उसमें 1200 पेटी है टोटल अभी तक जो हमारी जांच में आया है। आज उसको कोर्ट में पेश करेंगे और उसका रिमांड लेंगे। आगे वो कहाँ से दारू लेके आया है और तय तक पहुँचेंगे, जो भी आरोपी होगा उसको गिरफ्तार। ये माल्टा भी है, पौवे भी हैं, ये सतवीर के ऊपर जो ट्रक ड्राइवर था ना, अभी उससे ये तो रिमांड लेके गहनता से पूछताछ करेंगे कोई वो किसका माल था, कहाँ से लेके आया, कहाँ जा रहा है। हमने बाउंड्री डांड की तरफ से आ रहा था जब इसको काबू में किया था। नहीं अभी तो आज उसको पकड़ा है, हम उसके रिमांड का लिखेंगे, उसके तय तक जाएंगे, जो भी जिसके भी फैक्ट्री गोदाम जहाँ से भी ये माल चढ़ा है, हम उसको भी जो आरोपी होगा उसको जरूर सजा मिलेगी। DSP मामले में जाँच के बाद आगे की कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि मामले में पुलिस कार्रवाई करते हुए असल अपराधियों तक कब तक पहुंचती है, क्योंकि ट्रक ड्राइवर तो महज एक प्यादा है। शराब तस्करी के इस गोरख धंधे को चलाने वाले असल अपराधी तो अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैथल से ब्यूरो रिपोर्ट।